धान की खेती में नाइट्रोजन का उचित प्रयोग। धान बिहार की एक मुख्य खाद्य फसल है। आज भी बिहार में आप कितने बड़े किसान हैं, इसका पैमाना आपके द्वारा उपजाया गया धान का ढेर होता है। यहाँ के लगभग सभी किसान धान की खेती करते हैं। धान की अच्छी पैदावार हो, इसके लिए हम सब रासायनिक खादों, विशेषकर यूरिया और डीएपी का प्रयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नाइट्रोजन की उचित मात्रा आपकी खेत और आपकी फसल के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, या फिर कितना खेत में कितना नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए? धान की खेती करने वाले किसान को अच्छी तरह से पता होता है कि अगर धान की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन की कमी है। ठीक उसी तरह अगर नाइट्रोजन की मात्रा धान की फसल में ज्यादा होगी तो पौधों का विकास तो ज्यादा होगा, लेकिन उसमें दाने कम आएंगे और दोनों ही स्थिति में किसानों का नुकसान होगा। इसलिए हम सभी किसानों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें अपने खेतों में कितनी मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, क्योंकि इसके उचित प्रयोग से न केवल हम अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को भी कम कर सकते हैं। बिहार में प्रति एकड़ धान की उपज लगभग 600 किलो से लेकर 2800 किलो के बीच होता है। नाइट्रोजन का प्रयोग हम पिछले साल के उपज को आधार मानकर करते हैं, इसलिए धान की खेती में नाइट्रोजन का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि अगर पिछले साल प्रति एकड़ आपकी धान की उपज 1200 किलो हुआ है, तो आपको प्रति एकड़ 17 किलो डीएपी और 82 किलो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। प्रति एकड़ उपज अगर लगभग 1800 किलो हुआ है, तो प्रति एकड़ 27 किलो डीएपी और 110 किलो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। प्रति एकड़ उपज अगर लगभग 2400 किलो होने की स्थिति में प्रति एकड़ 34 किलो डीएपी और 138 किलो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, और प्रति एकड़ उपज लगभग 2800 किलो हुआ है, तो प्रति एकड़ 40 किलो डीएपी और 157 किलो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे इन आंकड़ों को देखकर परेशान मत होइएगा। वीडियो देखने के बाद आपको एक कागज का लिफलेट मिलेगा, जिस पर प्रति एकड़ उपज के हिसाब से कितना डीएपी और यूरिया का प्रयोग करना है, इसकी पूरी जानकारी लिखी होगी, ताकि जब जरूरत हो आप उसे देखकर उसी प्रकार उसका प्रयोग करें। इसकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने वीआरपी से भी संपर्क कर सकते हैं। अब आप सभी किसान इसी मात्रा में यूरिया और डीएपी का प्रयोग कर अपनी धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, तथा जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को भी कम कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से धान की अगेती बुआई के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।